नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज हुए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन अभी से पता चलने लगा है कि वहां पर सरकार कैसी चलने वाली है। वहां अंदरूनी फूट कुछ ऐसी उभर कर सामने आई कि राष्ट्रपति भवन में ही हक्कानी गुट के कमांडर ने मुल्ला बरादर को जमकर लाख घूसों से पीटा। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को कब्जा किए हुए भी ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन जिहादी सरकार की अंदरूनी फूट उभर कर सामने आ गई है। सभी जानते हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। वहां की सरकार में हक्कानी गुट का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में हक्कानी गुट के कमांडर ने मुल्ला बरादर को जमकर लाख घूसों से पीटा है। अभी कुछ ही वक्त पहले अफगानिस्तान की डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मौत की खबर सामने आई थी। हालांकि बाद में बरादर ने एक वीडियो जारी करके अपने जिंदा होने की पुष्टि की थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक काबुल में बरादर के साथ मारपीट के साथ ही वहां पर गोली भी चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के अंदर जारी अंदरूनी घमासान के बीच काबुल के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी कैबिनेट के गठन को लेकर बैठक हुई। बैठक के दौरान मुल्ला बरादर गैर तालिबानी नेता और जातीय अल्पसंख्यकों को शामिल किए जाने की बातों पर जोर दे रहा था। बरादर का मानना था कि ऐसा करने से दुनिया में तालिबानी सरकार को मान्यता मिल सकती है। हालांकि हक्कानी गुट इससे सहमत नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरादर की बातें हक्कानी गुट के कमांडर खलील उल रहमान हक्कानी को इतनी नागवार गुजरी कि वो अचानक से अपनी जगह से उठा और बरादर पर लाख घूसों की बौछार कर दी। इसके बाद दोनों के बॉडीगार्ड्स के बीच में गोलियां भी चली। इस घटनाक्रम में कई लोग घायल भी हुए। वही मुल्ला बरादर हैबतुल्ला अखुंदजादा से बात करने के लिए कंधार रवाना हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला बरादर ही तालिबान का वो नेता है जो अमेरिका तक से बातचीत कर रहा था, लेकिन नई तालिबानी सरकार उसे साइडलाइन करती नजर आई। दरअसल तालिबान की अफगानिस्तान में जब सरकार बनी तो बरादर के समर्थकों को उम्मीद थी कि उसे इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान के हाल अभी से ही नजर आ रहे हैं। आप सोचकर अंदाजा लगाइए कि अगर अभी से सरकार के अंदर ही लाख घूसे चलेंगे तो आगे अफगानिस्तान के क्या ही हाल होने वाले हैं। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।